नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, 45 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित तो वहीं 3,03,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो वहीं 17,03,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 82,000 के करीब, तो अब तक 2,649 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 27,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, हॉस्पिटलिटी और ट्रेवल सेक्टर को लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान, इंडस्ट्री के लोगों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। राजस्थान में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 4,500 के पार, तो अब तक कोरोना से 125 लोगों की मौत प्रदेश में, तो अभी तक 2,638 मरीज हुए ठीक। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि आज, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने किया याद, तो वहीं युवा मोर्चा ने चलाया रक्तदान अभियान।